प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि आपको जो है 10 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कई सारे प्रेस रिलीज़ किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि असिस्टेंट इंजीनियर का 231 पदों पर बहाली जो है निकाली जाएगी। और ये जो बहाली निकाली जाएगी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, यानी संविदा के बेसिस पे होगा, संविदा के तौर पे होगा, जो कि रूलर वर्क्स डिपार्टमेंट में आपका होने वाला है, यानी RWD में आपका आने वाला है। और ये जो बहाली ली जाएगी ये गेट स्कोर के बेसिस पे आपका जो है निकाला जाएगा। तो ये जो बहाली आपका निकाला जाएगा, क्या ये फेयर है या फिर अनफेयर है, क्या सभी के लिए ये सही है, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो, जो ये असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे बहाली निकाली गई है, ये रेगुलर नहीं है, संविदा के बेसिस पे है। और जब भी रेगुलर बहाली आती है तो उसमें 25% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मतलब उनको दिया जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे काम करेंगे उन लोगों को। और ऑलरेडी कई सारे लोग संविदा के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और भी कई सारे लोग संविदा के बेसिस पे ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मिलेगा। और यही अगर बात किया जाए नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट पे बहाली निकाली जा रही है, जैसे टीचर हो गया, BPSC 17वीं जो वैकेंसी आने वाली है वो हो गया, बिहार पुलिस हो गया, है ना, बिहार SSC हो गया, और भी कई सारे बहाली जो है आपका बिहार में निकाला गया है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल पोस्ट पे बहाली निकाली गई है, छोटा से छोटा चपरासी हो या क्लर्क हो, है ना, उन सभी का जो पोस्ट निकाला जा रहा है वो रेगुलर बेसिस पे निकाला जा रहा है, रेगुलर जॉब निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए या जो एस्पिरेंट्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जॉब दिया जा रहा है, और वो भी असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट। चलो, यहाँ पे समझ में आता है कि जूनियर इंजीनियर का दिया जा रहा है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर को भी जो है यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है, और जो चपरासी है उसको रेगुलर जॉब दिया जा रहा है। यानी इंजीनियर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ झुंझुना धराया जा रहा है, और क्लर्क के हाथ में जो राजा का टोपी होता है वो थमाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर आपका जो नोटिस दिया गया था, प्रेस रिलीज जारी किया गया था, तो उसको लेकर आपका 13 सितंबर यानी कल कई सारे कैंडिडेट BPSC ऑफिस जो कि पटना में है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो आप भी उनके साथ जाएं, डेफिनेटली आपको वहाँ पे पहुँचना है और अपनी बातों को रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जॉब निकाला जा रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा जो फ्रेशर होंगे, लेकिन कम से कम जो गेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनका तो रेगुलर से जॉब होगा, जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया है और जिनके पास वैलिड स्कोर है। जो गेट का स्कोर होता है 3 साल तक वैलिड होता है, कितने 3 साल तक वैलिड होता है, यानी 22, 23 है ना, 24, ये 21 नहीं, 2022 में, 2023 में और 2024 में जो लोग भी गेट का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका स्कोर आया है तो वो एलिजिबल रहेंगे इसका फॉर्म जब आएगा तो उसको भरने के लिए। तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चलो उनको तो कम से कम मौका मिलेगा जिन्होंने गेट का में स्कोर किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, कम ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन फिर भी उनको जॉब मिलेगा। लेकिन फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कम से कम ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर रेगुलर निकाला जाता तो फेयर रहता, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे निकाला जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है।
और इसको लेकर आपको जो है आवाज उठानी होगी, तो उसके लिए आपको बीपीएससी ऑफिस जाना पड़ेगा। देखो अकेले सिंगल पर्सन अगर आप जाओगे बीपीएससी ऑफिस तो आपकी बात सुनी तो जरूर जाएगी लेकिन उस पे अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन वही साथ में सभी का साथ दोगे और एक साथ काम करोगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि एकता में बहुत पावर है, तो आपको इकट्ठा होना होगा और एक बनना होगा। जो अलग अलग आप आवाज उठाओगे उसको एक करके आपको जो है चलना होगा। तो कई सारे लोग ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में, कई सारे वीडियो भी आपको मिल गए होंगे, आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के बाद 13 सितंबर को आप बीपीएससी ऑफिस पटना पहुंचिए। कई सारे और भी कैंडिडेट वहां पे जाने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो और अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे ही मेरे पास किसी भी कैंडिडेट का कोई भी मैसेज आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, कि कब पहुंचना। 13 तारीख को तो पहुंचना है, ये तो फिक्स है, 10 बजे के बाद ही आपको पहुंचना, क्योंकि ऑब्वियसली जो सरकारी ऑफिस है वो 10 बजे के बाद ही ओपन होता है। तो 10 बजे तक आपको जो है बीपीएससी ऑफिस के पास में पहुंच जाना है, और कोई हंगामा वहाँ नहीं करना है यार अपने को, ठीक है, बस शांति से जाना है, अपनी बातों को रखना है और एक सहमति वहाँ पे जताना है, बस वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर शांतिपूर्वक कोई भी काम किया जाए ना तो वो सफल होता है, लेकिन आराम से, है ना, किसी तरीके का कोई दबाव वहाँ पे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्ला करना है, शोर शराबा करना है, नहीं, शांति से जाना है, अपनी बातों को रखना है और वापस आ जाना है, उस पर डेफिनेटली अमल किया जाएगा। और प्लस आपका मीटिंग भी बीपीएससी जरूर लेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली जा रही है इसको बस कैसे भी ख़त्म करवाना है। ये अगर फ्रेशर को भी मौका मिल रहा है, अगर वो रेगुलर बहाली विदाउट गेट अगर वो अप्लाई करने का ऑप्शन देते हैं तो अच्छी बात है, हर किसी को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ लिखा गया है, संविदा के आधार पर जो लिखा गया है, कम से कम वो तो हटाना ही होगा। अगर वो हटता है तो ही जो है कुछ राहत मिलने वाला है, नहीं तो ये जो गेट स्कोर यहाँ पे ऐड किया गया है ना, एक में अगर ये चीज़ लागू हो गया तो आने वाली अपकमिंग और जो भी बहाली होगा वो भी गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको डालते हुए नज़र आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं फ्रेशर के साथ साथ जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके साथ भी ये दिक्कत होगा, क्योंकि कई सारे वैसे भी कैंडिडेट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होता है, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कंपनी में वो काम कर चुके हैं, लेकिन वो गेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। रीजंस, क्योंकि बिहार से जो भी बिलोंग करता है मैक्सिमम मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता है, और हर किसी के घर का कंडीशंस लगभग एक जैसा होता है कि हर किसी को पैसा ज़रूरी होता है। तो कई सारे लोग गेट का एग्ज़ाम देते हैं और गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जॉब, प्राइवेट जॉब करते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गेट का एग्ज़ाम देते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गेट का फॉर्म भरने में कम से कम 2,000 रुपया लगाएगा, है ना, 1,500 से, अब तो 1,800 कर दिया, पहले 1,500 था, तो 1,500 रुपया गेट का फॉर्म भरो, उसके बाद एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने जाने में खर्च, तो कई सारे इश्यूज़ हैं। तो कई सारे लोग नहीं देते हैं तो डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो हो गया, फील्ड का नॉलेज उनको हो गया, लेकिन उनके पास गेट का स्कोर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमेरिट उनके लिए है, उनको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो भी एक आस में थे कि कभी असिस्टेंट इंजीनियर का बिहार में बहाली आएगा तो हम भी उसको भरेंगे। और मैक्सिमम लोग ये आस पे रहते हैं कि भाई 2,000
25 में हमारा इलेक्शन है, 20 के बाद 2025 में इलेक्शन था, तो 2025 में बहाली आएगा तो उसमें को हम भरेंगे, लेकिन 2020 के बाद बहाली आई भी तो ये इसमें ये अड़ंगा लग गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के साथ साथ अड़ंगा लगा है गेट स्कोर, तो मतलब जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस था वो भी गए और जो फ्रेशर हैं वो तो गए ही गए, वो तो किसी काम के नहीं है जो फ्रेशर हैं, लेकिन उनके पास एक मौका है कि गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन गेट का एग्ज़ाम देंगे भी तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम अब 2025 में होगा, 2024 में तो होगा नहीं। तो दोनों लोग गए, जिनके पास एक्सपीरियंस था वो भी गए और जो फ्रेशर्स थे वो भी गए, सिर्फ बच गए कौन, तो जो गेट का एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, गेट का स्कोर है तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। तो ये जो बहाली है यानी ये जो वैकेंसी है इस पर कहीं ना कहीं स्टेल लगना चाहिए और इसको चेंज करके रेगुलर जॉब पे करना चाहिए और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, आप इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जिन्होंने गेट में कुछ स्कोर किया है तो उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको भी अलग प्रीफ्रेंस दिया जाएगा और जो लोग फ्रेशर हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम में अगर वो अपना अच्छा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम बेसिस पे इस चीज़ को करवाना पड़ेगा तभी जाकर जो है हर किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है 2025 तक अगर नहीं निकलता है बहाली, 2026 में निकलेगा, 2027 में निकलेगा, कभी तो निकलेगा, लेकिन जो भी बहाली निकलेगी वो आपका रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बहाली अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर का कभी रूलर वर्क डिपार्टमेंट, कभी PHAD, फिर निकाला जाएगा मान के चलो रोड कंस्ट्रक्शंस में, RCD में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बहाली निकाली जा रही है उससे अच्छा है एक कंबाइंड बहाली निकाली जाए। क्या? कंबाइंड बहाली निकाली जाए। ठीक है, इससे कंबाइंड बहाली से क्या होगा कि सभी लोग एक साथ फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे और उनका जो स्कोर होगा उस स्कोर के बेसिस पे उनको जो है डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। मतलब फॉर्म भरते टाइम ही उनको ये प्रीफ्रेंस डाल दिया जाए कि आपका कितना स्कोर, मतलब आप प्रीफ्रेंस डाल दो कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो अपना प्रीफ्रेंस डाल देगा, उसका जो भी स्कोर मैच करेगा जिस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बहाली निकाली जा रही है तो एक ही कैंडिडेट सारे बहाली डालेंगे, क्योंकि बहाली तो एक दिन में क्लियर होता नहीं है अपना बिहार में, साल दो साल आपका लग ही जाता है, तो वो क्लियर होते होते सभी डिपार्टमेंट में एक ही कैंडिडेट का होगा और जब ये एक ही कैंडिडेट तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे तो बाकी सीटें फिर खाली हो जाएगी, फिर डिपार्टमेंट वाइज निकाला जाएगा, तो उससे अच्छा कंबाइंड रहेगा तो हर किसी को मौका मिलेगा, वैकेंसी खाली रहेगी तो उसको अगले बार ऐड किया जा सकता है। तो ये दो तीन पॉइंट्स जो है ना BPSC ऑफिस में जो 13 तारीख को सभी लोग को जाना है उसमें आप लोग अपना पॉइंट रखिएगा, पहला कंबाइंड वैकेंसी, दूसरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपने लाया है उसको ख़त्म कीजिए। आप गेट स्कोर के बेसिस पे आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड करिए कि जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनको भी अलाउ किया जाए और जो रेगुलर मतलब फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको भी अलाउ किया जाए, मतलब सभी को अलाउ किया जाए। गेट स्कोर वालों को प्रेफरेंस आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, लेकिन फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जिनके पास गेट का वैलिड स्कोर नहीं है, या फिर कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन 2019 में दिया था या 2018 में दिया था 2020 में दिया था, तो उनका तो गेट स्कोर वैलिड नहीं होगा क्योंकि 3 साल तक ही वैलिड रहता है, तो वह प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट भी को भी जो है मौका दिया जाए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का
आप प्रेफरेंस डाल दीजिए, गेट स्कोर का प्रेफरेंस दीजिए। फ्रेशर जो है उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल तो हो जाएंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है कल यानी 13 तारीख को बीपीएससी ऑफिस जाकर रखना है, लेकिन आपको अकेले नहीं रखना है ना, अपनी बातों को अकेले नहीं रखना है, जाके वहाँ पे रखना है।